अब फिर भी आप कुछ तो देख रहे होंगे ना, कौन सी पार्टी आ सकती क्या है? देखो कांग्रेस का हवा चल रहा, कांग्रेस का हवा चल रहा, बस वही मालूम है, पब्लिक में भी वही सुनने में आ रहा, न्यूज पेपर में भी वही सुनने में आ रहा, कांग्रेस का हवा, कांग्रेस का। आप कौन सी पार्टी को देख रहे हैं तेलंगाना में हुकूमत जो बन सकेंगी और चुभली पे कौन आएंगे अंदाजन तौर पे? अंदाजे के हिसाब से अजहरुद्दीन साहब, अजहरुद्दीन साहब का मतलब आपको क्या दिख रहा है कांग्रेस जीत सकती? कांग्रेस जीत सकती। अच्छा, और सेंट्रल में हुकूमत मतलब यहाँ पे हुकूमत किसकी बनेगी? स्टेट में कांग्रेस बनी, कांग्रेस बनेगी। आपका ये पूछना है? अंदाजा। अच्छा ठीक है सर, नाम ना अभी तेलंगाना में जो चल रहा ना, आप किसको देख रहे हैं कि मतलब स्टेट में किससे गवर्नमेंट बन सकती, टीआरएस या कांग्रेस? बीआरएस आता। अब बीआरएस को मतलब अच्छा जुबली से वापस किसका सीट अगर आ पाएगा? मागंटे गोपीनाथ आता। गोपीनाथ मतलब कहीं को गोपीनाथ के आस्ते आप बोल रहे हैं? देखो गोरबंडा डेवलप करे ज्यादा, मागंटे गोपीनाथ। अच्छा आपकी बात, आपको क्या दिख रहा है कि तेलंगाना में किसकी सरकार आ सकती है, कांग्रेस या बीआरएस या बीजेपी, कौन सी सरकार आपको देख रहे हैं आप? ये तो टीआरएस है तो कांग्रेस दोनों में चल रहा है, कांग्रेस में चल रहा है। अब अंदाजन जुबली हिल्स के ऊपर आप किसको देख रहे हैं कि मतलब भाई ज्यादातर या हमारे मार्कंडी गोपीनाथ साहब है या फिर अजहरुद्दीन है? अजहरुद्दीन साहब आए तो अजहरुद्दीन साहब आएंगे सरकार के खिलाफ 100%। ओके थैंक यू। और जुबली हिल्स पे आप किसको देख रहे हैं कि मतलब भाई जुबली हिल्स की सीट कौन जीतेंगे, कांग्रेस जीतती है या फिर बीआरएस जीतेंगे? बीआरएस जीतती। बीआरएस काम करी इधर। अच्छा बोराबंडे में काम करी। तो भाई आप क्या क्या देख रहे हैं कि स्टेट में किसकी सरकार बन सकती है, कांग्रेस या बीजेपी या बीआरएस? देखो भरोसा तो फिलहाल पर जितना लग रहा मेरे को जो है, अब इंशाल्लाह कांग्रेस ही जाना। अब ज्यादा भरोसा तो कांग्रेस पे है, लोग अभी पहले उतना मोहब्बत नहीं है अब टीआरएस में। अब मेरी तो जो चाहत है, जो मोहब्बत है मेरी, वो कांग्रेस को ही चाहना वोट। और आप लोग अभी कांग्रेस को ही वोट डालो और अपनी जुबली से एमएलए में अजू भाई चाहना। अच्छा जुबली से आप अजू भाई को डालेंगे? हाँ इंशाल्लाह आने वाले वक्त में, आप और आपका पूरा घर इंशाल्लाह पक्का, इंशाल्लाह पक्का फाइनल। आप बीआरएस पार्टी के मतलब कुछ काम होंगे आपसे बोल सकते हैं, क्या हुआ मतलब काम क्या? देखो बीआरएस अपने हैदराबाद में अच्छा ही करा, जो भी करा सब जबरदस्त करा, मगर तारीफ है उसके वास्ते भी, लेकिन कुछ कमियां है। अब जिसके वास्ते लोग थोड़े बहुत मोहब्बत कम हो चुकी उन लोग की, अब क्या है बोलते कांग्रेस आना, बल्कि सबकी ये थोड़े लोगों की भरोसा है, हमारे फैमिली में हमारे घर वाले साइड में सब लोग की वही चाहत, अब कांग्रेस ही चाहना। ओके शुक्रिया भाई। अंदाजन अब फिलहाल तेलंगाना में किसकी सरकार बन सकती है, कांग्रेस की या बीजेपी की या फिर बीआरएस की? वो 30 तारीख को मुनसर है साहब को, फिर भी अंदाजा बोलो मैं आपको, मैं आपको पैसा ना बोलो, अंदाजा तो उनको मालूम होगा तेलंगाना और कांग्रेस का मालूम हो रहा था। अच्छा जुबली की सीट पे आप किसको मतलब रुझान किसका देख रहे हैं आप? एमआईएम का है, कांग्रेस का है, बीआरएस का है? बीआरएस का अजहर भाई, कांग्रेस का अजहर भाई का, कांग्रेस को देख रहे हैं आप? बीआरएस की मतलब सॉरी कांग्रेस की बड़ी जीतती अजहर भाई जीतते हुए बोल रहे हैं आप? जी हाँ। उनका रुझान ज्यादा है। अच्छा ग्राउंड वर्क, अरे जैसा बोल रहे नहीं बोलिए आप, भाई आप ये बोलिए मैं दुकान वाला हूँ, पॉलिटिकल मेरे कैफ हो भाई। भाई आप बोलिए फिर भी नहीं आप बोलिए कि मतलब आपको क्या दिख रहा, अंदाजन क्या है, बीआरएस या कांग्रेस? दोनों भी कॉम्पिटिशन में है भाई, असर भाई भी कॉम्पिटिशन में, अजू भाई भी कॉम्पिटिशन में है। आप समझो बात, अजू भाई भी कॉम्पिटिशन में है। अच्छा चांसेस दोनों को भी है, दोनों को चांसेस है। हाँ अच्छा अजू भाई को, और ज्यादा वोटों से भी नहीं जीतते, कम ज्यादा होंगे या अजू भाई आएंगे या तेलंगाना आएंगे। अच्छा तो मतलब आपको रुझान क्या दिख रहा है पूरा तेलंगाना? प्यारा नाम ले रहे समझो बात। अच्छा तो इंशाल्लाह अल्लाह से तो आप वही कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ भी कर रहे काम भी कर रहे, ठीक है अच्छी बात है इंशाल्लाह। आप समझो बात को मैं, क्योंकि रोड़ी शटर की जिंदगी नहीं होना अपने, सीधी सादी जिंदगी होना, अपन एक दुकान वाले है, अपन ये सो पोलिटिकल्स में गिरना नहीं चाह रहे। जी 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 बस ठीक है शुक्रिया सर। कोई बात क्वेश्चन ఏమన్నా అంటే ఇప్పుడు ఎట్లా కనిపిస్తున్నాయి మీకు తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ వస్తుందా బీఆర్ఎస్ వస్తుందా ఏమొస్తుంది? వస్తుందండి, అందరూ ఒకటే కదా, ఎవరేమన్నా చెప్పండి, అందరూ ఒకటే కదా, ఏమైనా ఈయననే వస్తాడు కదా,
జూబ్లీ సీట్ లో ఫోర్ మెంబర్స్ ఉన్నారు, బీజేపీ ఉన్నది, ఎంఐఎం ఉన్నది, కాంగ్రెస్ ఉన్నది, టీఆర్ఎస్ ఉన్నది. ఏ పార్టీకి వస్తారు? ఇప్పుడు స్టేట్ లో తెలంగాణ స్టేట్ లో ఎవరు గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తారు? కేసీఆర్ చేస్తారు గవర్నమెంట్. అయితే కేసీఆర్ సీట్లు తక్కువ వస్తాయని కేసీఆర్ చేస్తారు గవర్నమెంట్. అచ్చా కేసీఆర్ ఇప్పుడు జూబ్లీ నుంచి ఎవరు వస్తారు? మాగండి గోపినాథ లేకపోతే అసలు అజారుద్దీన్ వచ్చినట్టు కొడుతున్నాం అట్లా కనిపిస్తుంది అజారుద్దీన్ అని. ఇప్పుడు మాగండి గోపినాథ్ ఎట్లా పని చేస్తున్నారు? ఇక్కడ ఏం పని చేసింది? ఏం పని చేయలేదు. ఇప్పుడు మీకు ఎట్లా కనిపిస్తుంది అజారుద్దీన్ అయితే కనపడుతుంది? మీ ఓటు? మా ఓటు ఇక కాంగ్రెస్ కి వేద్దాం అనుకున్నాం సార్. ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ. अच्छा जुबली सीट को आप किसको देखना चाह रहे हैं? अजहर को देखना चाह रहे हैं या फिर एमआईएम की सीट को है या फिर हमारे बीआरएस की सीट है? बीआरएस की मार्कंडी गोपीनाथ साहब. अच्छा मार्कंडी गोपीनाथ साहब को आप डालने की वजह क्या है? मार्कंडी गोपीनाथ टीआरएस के अभी डेवलपमेंट अभी थोड़ा पेंडिंग है. अच्छा अभी वो गवर्नमेंट फॉर्म है तो जो जो पेंडिंग है वो कर सकते. अभी उन लोग भी पूरा नहीं किए. मेन अनएम्प्लॉयमेंट है. अच्छा हमारे घर में भी तीन बच्चे है. हाँ. एक को भी जॉब नहीं मिला. अच्छा हम लोग उससे सफर हो रहे. हाँ. अब उन करे तो वो भी जॉब भी आता. अब दूसरे करे तो उन इन लोग ऑलरेडी पूरा वेल सेटल हो गए ये पार्टी वाला. अब दूसरा पार्टी उन सेट होना उनका उन देख लेते. अच्छा इन ऑलरेडी सेटलमेंट हो गए सेट है तो अब उसको लास्ट चांस है बोल के कुछ करने को चांसेस है उसको. ओके पब्लिक भी पूछ सकते हैं. अब वादा करे ना वो कर तुम ये कर तुम पूरा बोल के ये